हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का टॉपर। और आज बात कर रहा हूँ मैं आपसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिन्होंने एमएस धोनी और पीके जैसी जो मूवीज आई हैं उनके अंदर अपना एक अहम किरदार निभाया है। लेकिन सवाल आज का हमारा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने, जिनको आप सभी जानते हैं, जिनको आप खो चुके हैं, जिनके आप प्रशंसक थे, उन्होंने आत्महत्या क्यों की। खासकर मैं आपसे इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि विशेषकर जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप विद्यार्थी हैं, अक्सर क्या होता रहा है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट तनाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन क्या आत्महत्या ही हर समस्या का हमारी समाधान है? और इसी के साथ साथ हमें जीवन के अंदर चुनौतियों का सामना कैसे करना है और हम चुनौतियों को कैसे मात दे सकते हैं, कैसे हम तनाव को हरा सकते हैं, इन्हीं सभी बातों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। ये कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ परीक्षा के अंदर इतना पूछा जाएगा आपसे कि, तो ये पूछा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने किन फिल्मों के अंदर काम किया, उनमें से कोई किसी मूवी का आपको विकल्प मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत कहाँ से थे, पटना से थे, इस बात को आपको याद रखना है, बिहार की राजधानी पटना है। और इन्होंने तनाव के चलते आत्महत्या की, हाल ही में किस अभिनेता ने, या फिर ऐसे पूछ जा सकता है हाल ही में किस अभिनेता ने आत्महत्या की है और उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले भी ये सिलसिला जारी रहा है, मात्र अभिनेता ही नहीं कोई भी आत्महत्या करता रहा है। लेकिन इन सभी समस्या का समाधान क्या है, लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर। अब बात अगर हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में करें कि जो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, अब बताइए आप इनके जीवन में किस चीज की कमी थी, क्या कमी थी इनके जीवन में? शोहरत प्रसिद्धि इनके पास थी, धन दौलत इनके पास था, सफलता इनके पास थी। अब ये तो वो व्यक्ति ही जानता है कि वो किस दर्द से गुजर रहा है, या फिर अगर यह वाली कहावत को हम कहें कि कब्र का अजाब मुर्दा ही जानता है। इनके पास सफलता थी या नहीं थी ये तो इनका अपना पर्सनल मैटर हो गया, लेकिन हम सभी की नजरों में इनके एक बहुत ज्यादा सफल अभिनेता थे, बहुत ही सफल अभिनेता थे, हसमुख थे। और बात कही जाती है कि वो फिल्मी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जो रियल लाइफ में होता है, फिल्मी दुनिया में कुछ और दिखाया जाता है। इन्होंने ही कहा था कि आत्महत्या, यानी कि आत्महत्या, खुदकुशी, सुसाइड जिसे कहा जाता है, वो हर समस्या का समाधान नहीं है। आपने इनकी वो मूवी देखी होगी जिसके अंदर ये करीना कपूर के साथ हैं और स्टूडेंट जो होता है वो आत्महत्या कर लेता है, यानी कि जब वो फेल हो जाता है। तो इसी तरह से आपकी बात है, कोई भी स्टूडेंट है तो आत्महत्या, यानी कि इसके बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचें कि अपनी जान देने के लिए, क्योंकि यही सब कुछ नहीं होता। सबसे मेन चीज जो होती है वो होता है जीवन, यानी कि जिंदगी जिसे कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, आप कोई कारोबार करें, बिजनेस करें, आपको नौकरी मिले ना मिले, सरकारी नौकरी में रहें, प्राइवेट रहें, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और आपके अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप एक मजदूर हो या फिर आप दुकानदार हो, चाहे आप दुकानदार के अलावा कोई फल बेचने वाले हो, कुछ भी हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हमें तनाव जो होता है, तनाव, इससे हम दूर कैसे रहें? एक चीज होती है कि जिस प्रकार से सभी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी हैं, पहले तो हम बात अभी सुशांत सिंह राजपूत पर हमारी चर्चा चल रही है, मैंने आपको बताया सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, इनके जीवन में सब कुछ था हमारे मुताबिक। अब लेकिन एक जो चीज थी जिससे वो खाली थे वो था अकेलापन। इसलिए यदि हमारी कोई समस्या है तो आप उसको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, यदि आपका कोई पेरेंट्स के जैसा कोई बड़ा भाई हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिनको हम शेयर नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स जो हमारी युवावस्था होती है उसके अंदर कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसको हम नहीं बताना चाहते, नहीं उसको बता सकते। लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप उसके किसी बुरे परिणाम की ओर पहुंचे, या फिर कल को आपके ऊपर कोई आपराधिक जो वारदात का केस है वो दर्ज हो, उससे बेहतर है कि आप अपना जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप फील कर रहे हैं, उसको अपने किसी फ्रेंड के साथ में या किसी बड़े के साथ में उसको शेयर कर लें। लेकिन बात सुशांत सिंह राजपूत की तो यहीं पर समाप्त हो जाती है कि इनके जीवन में सब कुछ था, इन्होंने आत्महत्या क्यों की। एक सबसे बड़ी चीज होती है, आप जीवन के अंदर कितनी भी शोहरत पालें, दौलत पालें, दिल का सुकून जिसे कहा जाता है, हर जगह सुकून, संतुष्टि जिसे कहते हैं, शायद ही वो संतुष्टि ना हो, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जो भी कुछ प्रक्रिया चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। खैर, एक और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्या आत्महत्या ही समस्या का समाधान है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, आत्महत्या हर समस्या का समाधान नहीं है। आपने देखा होगा कोटा हो, दिल्ली हो, या अलग अन्य शहर हो,
आपको क्या कहा जाता है कि पेरेंट्स एक तरह से दबाव डाल देते हैं, जिस प्रकार से दुनिया के अंदर रेस चल रही है, एक धक्का मार के जो प्रक्रिया चल रही है कि चलिए आप भी पढ़िए, आप भी इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, MBBS कीजिए, BTEC कीजिए, IIT कीजिए, तो वही उसी दौड़ में भी आप चल देते हैं। या फिर कुछ पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारे बच्चे IAS बने, PCS बने, लेकिन वो बच्चा जो होता है उसके अंदर गुण कुछ और होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर कुछ और गुण विद्यमान है तो आप, यदि आप सपोज कीजिए आपके अंदर आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं और आपके जो घर वाले हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको बनवाना चाहते हैं एक IAS, या फिर आपको बनाना चाहते हैं एक IPS, या फिर कुछ और, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको वो करने में सक्षम नहीं, क्योंकि वही दिमाग आपके पास है जो ऊपर वाले ने और अन्य को दिया है, और वही सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वही 24 घंटे जो है, वही 24 घंटे आपके पास है। तो ऐसा नहीं है, कुछ मुश्किल आएंगे लेकिन समाधान हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स से कह दें, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि आप जो है वो खुश न रहें। जिस काम में आपको खुशी मिले, खुलकर अपने पेरेंट्स से बात करें, किसी प्रकार से ना घबराएं, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो प्रत्येक मुद्दे पर उनसे बात करें। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इससे आपका नुकसान ही नुकसान होगा, जो आपके अपने होंगे, चाहे आपका कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड्स हो, चाहे आपका कोई रिलेशन में हो, आप जिसको भी सबसे ज्यादा पसंद करते हो, आपके मम्मी हो, पापा हो, आपके जाने के बाद क्या होगा, उनको दुख ही होगा। यदि आपको नहीं बनना है, जो आपके माता पिता जो आपको बनाना चाहते हैं आपको वो नहीं बनना है, तो उससे बेहतर है कि आपको जो बनना चाहते हैं वो बन जाए, लेकिन वो ना करें, आप आत्महत्या ना करें। उससे बेहतर है कि आपको जो बनना है वो बन जाए, क्योंकि माता पिता कल या परसों आपसे कभी ना कभी उससे खुश हो जाएंगे, उससे संतुष्ट हो जाएंगे। आपको जो बनना चाहते हैं, आप अपने उस फील्ड के अंदर ऐसा कर जाइए, अपने उस क्षेत्र के अंदर जो आप बनना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपके घर वाले आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप इंजीनियर में जब आप इसकी परीक्षा दे रहे हैं तो उसके अंदर आप टॉप कर सकते हैं, उसके अंदर आप कोई अच्छी रैंक ला सकते हैं, और जब आप अपना काम करें तो उसके अंदर आप ऐसा कर जाइए कि आपको दुनिया याद रखे। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से जो कई क्वेश्चन डेली आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आपसे रूबरू हूं और आपको इन सभी बातों के बारे में कि तनाव से कैसे मुक्त रहें, इन सभी के बारे में बताऊं। तनाव से कैसे बचें, अक्सर आपने अखबारों के अंदर या टीवी के अंदर वो सब कुछ पढ़ा होगा कि ठंडा पानी पिए, मौन रहे, सुबह योगा करें, सब करते हैं, लेकिन फिर भी तनाव हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो तनाव से बचने का तरीका क्या है? एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि स्टूडेंट्स ही नहीं, बड़े भी हों या छोटे हों, कोई भी हो, अधिकतर क्या देखने वाला है, तो सबसे बड़ी चीज जो है, जो हमारा विनाश कर रहा है, वो है SM। अब ये SM क्या है? SM का अर्थ है सोशल मीडिया। ये हमारा विनाश कर रहा है सोशल मीडिया, इससे दूर रहें। इसे दूर रहने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके दोनों ही स्वरूप है, दोनों ही अलग अलग तरीके के, इसके हम इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे दूर रहने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, जो हमें जिस समय काम करना होता है, चाहे आप कुछ बिजनेस करते हो, आपको किसी मीटिंग में जाना हो, या फिर आप स्टूडेंट्स हो, आपको कॉलेज जाना हो, ट्यूशन जाना हो, आपको किसी भी तरह के नोट्स बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो इसके चक्कर में आप सोचते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा या बाद में कर लूंगी। तो यही हो रहा है, एक तो सोशल मीडिया से बचें, और एक जो भी आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप कुछ भी हो, उसके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें। और ऐसा नहीं कि यदि आप धार्मिक ग्रंथों से जुड़ जाएंगे, उनसे उनको पढ़ने लगेंगे, तो आप कट्टरपंथी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म के प्रति हिंसा, नफरत ऐसा कुछ नहीं फैलाता। सभी धर्म एक दूसरे धर्म की और देश से प्रेम के, सम्मान की, इस तरह की सीख देते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर संतुष्टि मिलेगी। और जो आप फालतू काम करते हैं, दोस्तों के साथ में फालतू बैठना, ऐसा नहीं, आवश्यक रूप से अवश्य बैठें दोस्तों के साथ में, अपने दोस्तों को टाइम जरूर दें, लेकिन फालतू बिल्कुल भी उनके साथ आप ना बैठें, एक तो उस चीज़ को छोड़ दें। और साथ ही साथ आप इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, टहल गए, या फिर किसी की दुकान पर चक्कर लगा लिया, इधर चले गए, उधर चले गए, पार्क में ज़्यादा टाइम ना बिताएं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन सभी से आपको छोड़ें। क्योंकि तनाव कहाँ से आता है? तनाव आता है जब हमारे ऊपर टेंशन होती है, जब हमारे ऊपर लोड होता है किसी काम का, और जब काम छूटता जाता है, एक दिन का काम नहीं किया, फिर दूसरे दिन का नहीं किया, सपोज कीजिए कि आपने आज का काम छोड़ भी दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो गया, फिर अगले दिन जब आप इस काम को करेंगे, फिर आपका जो नेक्स्ट डे का जो वर्क है, जो अगला दिन है, फिर वो आपका छूट जाएगा, फिर आप सोचेंगे मैं इसको अगले दिन करूंगा, ऐसे ही छूटता चला जाता है, और आपकी परीक्षाएं या आपका जो लक्ष्य है वो करीब आ जाता है, फिर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं, फिर एंड में आकर आपके पास कोई समाधान नहीं बचता, आप कुछ और तो नहीं सोचते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वे अपनी जान दे देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तनाव से बचें, बेशक ठंडा पानी पिए, योगा करें, एक्सरसाइज करें, वो चीज़ भी इनकी समाधान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, अपना जो भी आपका कार्य है उसको समय से पूर्ण करें। सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे सबके पास है, तो समय से अपना कार्य करें। एक और चीज़ है कि चुनौतियों का सामना कैसे करें। चुनौती
सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में भी आई होगी, ऐसी बात नहीं थी, ये पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन चुनौतियों का सामना कैसे करें, चुनौतियों का सामना कैसे करें, इसका जो जवाब है वो मैं आगे वीडियो में दूंगा, क्योंकि फिलहाल समय का भी वीडियो लंबा हो गया है, क्योंकि मैं आपके जो और क्लासेज है वो भी लेनी है। तो चुनौतियों का सामना कैसे करें इसके लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा, किसी भी चुनौती से घबराएं नहीं, हर चुनौती उस व्यक्ति के हिस्से में आती है जो उसको उसका सामना करने में सक्षम होता है, जो उसका समाधान करने में सक्षम होता है, तो आप उसके योग्य हैं, आपके अंदर वो योग्यता है कि आपके जीवन के अंदर कोई भी चुनौती आए तो आप उसका समाधान कर सकें, आप उसके अंदर उसको उसका उस क्वेश्चन को आप जो आपके सामने चुनौती आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोल्व करने में आप पूरी तरीके से सक्षम है, माने क्योंकि जो चुनौती आपके सामने आई है, जो समस्या आई है, वो आपके सामने क्यों आई है, वो किसी और के सामने क्यों नहीं, कभी आपने सोचा है? क्योंकि आप उसको करने योग्य हैं, क्योंकि भगवान भी उससे काम लेता है जो उसे करने के योग्य होता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, घबराएं नहीं, संतुष्ट रहें, और जीवन के अंदर ही तो जीवन है, चलता रहेगा, यहाँ पर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिए, और जीवन को यह नहीं कि आप तनाव में आ गए या कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया, इसका बिल्कुल भी उद्देश्य यह नहीं है। तो आपसे बस मैं अंतिम समय में यही कहूंगा, चुनौतियों का सामना करना सीखें, इनका समाधान करना सीखें, और आपको समाधान उनका अवश्य मिलेगा।